आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुस्लिम महिलाओं का भी मतदान के प्रति उत्साह देखने को मिला। बुर्का पहनकर आई महिलाएं हिंदू मुस्लिम की राजनीति को खत्म कर देश में अमन चैन बनाए रखने का पैगाम दिया। विधानसभा 2022 के पहले चरण के मतदान में ही मुस्लिम महिलाओं में मतदान के प्रति उत्साह देखने को मिला। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डालकर राष्ट्रीय निर्माण में अपना योगदान दिया और हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म कर अमन चैन बनाए रखने की बात कही। विकास को लेके देना चाहिए और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो जो है खत्म होनी चाहिए और दोनों में आपस में प्यार होना चाहिए और ये जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है, एक दूसरे के दिल में जो नफरत है वो ख़त्म होनी चाहिए, सब में प्यार होना चाहिए इस देश में। अच्छा लग रहा है, पहले फर्स्ट टाइम डाला है मैंने वोट। फर्स्ट टाइम डाला है जी। तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर, जैसे विकास के कार्यों पे या जातिवाद को लेकर वोट डालना चाहिए? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि ये महंगाई ख़त्म हो जाए बस। ये सिलेंडर वगैरह ये सब चीज़ें इतनी महंगी हैं और अभी तक मुझे मोदी जी का खैर अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, ना राशन कार्ड है, न जैसे सिलेंडर वगैरह मिलते हैं वो भी कुछ भी नहीं मिला है मुझे। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये काम वाम के पीछे ही। हाँ, बस काम वाम ठीक चले और सब कुछ चले। उत्तरी विधानसभा में विकास न होने से क्षेत्रीय लोग खासा नाराज दिखाई दिए। उनका कहना है कि अब की बार विकास के मुद्दों को लेकर वोट डाले जा रहे हैं। आज जो है लोगों में बहुत उत्साह है, लोग जो वोटिंग परसेंटेज इस बार आगरा की बहुत कम पड़ गई है, लोग बदलाव चाहते हैं। महंगाई से महंगाई की मार और ये आप विकास के लोग विकास को वोट देना चाहते हैं। अब जो लोग जातिवाद को वोट करना नहीं चाहते हैं, इनके बहकावों में नहीं आना चाहते हैं लोग जो है विकास को वोट करेंगे और बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं हम लोग। इस बार लोग धर्म और जाति से ऊपर उठ के वोट दे रहे हैं और उत्तरी विधानसभा जिस विधानसभा खड़े हैं दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है, बहुत बड़ी जनसंख्या में यहाँ बिल्कुल विकास नहीं हुआ। आप आए होंगे रास्ता में कितने गड्ढे वगैरह सड़कें मिली होंगी, यहाँ के लोग पूरी 90% पोलिंग कर रहे हैं। माहौल बड़ा बेहतरीन है, इस वक्त लोग बड़े जागरूक हैं और वोट प्रतिशत बहुत बड़ा है, लोगों के अंदर बड़ी जागरूकता है वोट डालने की, बिना बुलाए लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं और कुछ बदलाव चाहते हैं। यहाँ जो गड्ढे हो रहे हैं, रोड है ख़राब है, लाइट की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, उनसे लोग बदलाव चाहते हैं। सरकार ऐसी चाहते हैं, धर्म से हटकर एकता की राजनीति होनी चाहिए, ये चाहते हैं। इस बार युवाओं ने भी विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहली बार वोट डालने आए युवाओं का कहना है कि विकास को देखते हुए इस बार परिवर्तन होना चाहिए। डेवलपमेंट को देखकर और पूरी मतलब जो वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा कि पुराने का? होप करते हैं कि इस बार चेंजेस मिले और डेवलपमेंट हो। और फर्स्ट टाइम वोट डाला है? यस। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। विधानसभा के होने वाले चुनाव में 34 लाख वोटर अपना विधायक चुनने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंच गए। वहीं सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम किए गए। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।